हमारे नौजवानों को समझ में आ जाए कि इबादत किसे कहते हैं, इबादत का मतलब क्या है, इबादत की मीनिंग क्या है, इबादत के मफहूम क्या है। हमारे दिमाग में जब इबादत बोला जाता है, एक लफ्ज बोला जाता है इबादत, तो हमें यह समझ में आता है कि नमाज ही इबादत, हमें यह समझ में आता है कि रोजा ही इबादत है। मगर आप यकीन बताएं कि अल्लाह को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसान को इस पूरे कायनात के ऊपर भेजा है तो क्यों भेजा है? ताकि ये इंसान इबादत करे। तो भैया ना हम रात भर नमाज पढ़ सकते हैं और ना दिन भर रोजा रख सकते हैं, और अल्लाह ने हमें भेजा है इबादत करने के लिए। तो दिन भर रोजा रखा नहीं जा सकता, रात भर नमाज पढ़ी नहीं जा सकती, तो फिर कैसे हमारा हर लहजा, हर वक्त, हर आन, हर सेकेंड, हर मिनट, हर साल, जिंदगी का एक एक लम्हा कैसे इबादत में शुमार होगा? मैं आपके सामने यही तो अर्ज करना चाहता हूँ, अपने नौजवान दोस्तों को यही तो बताना चाहता हूँ कि अपने जहनों को पाकिजा कर लीजिए, आप सोचिएगा तो भी इबादत होगी। अपने दिल को पाकिजा कर लीजिए, आप सोचिएगा तो भी इबादत होगी। आप अपना हर अमल खुदा के लिए करना शुरू कर दीजिए। आप यकीन जानिए कि आप बैठे रहेंगे तो भी इबादत होगी, आप चलेंगे तो भी इबादत होगी, आप कहीं महत्व गुफ्तगु होंगे तो भी इबादत होगी, आप घर में बैठ कर अपने वालदैन के साथ गुफ्तगु कर रहे होंगे तो भी इबादत होगी। और ये इबादत तो इतनी अजीम है, नौजवान सुने, वालदैन के साथ गुफ्तगु करना इस मतलूब जिंदगी में साहब हमें फुर्सती नहीं है, है ना? फुर्सती नहीं, बहुत बिजी है काबू साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, यहां मस्जिद पढ़ना है, वहां ऑफिस है, वहां दुकान है, बिल्कुल मसरूफ है अल्हम्दुलिल्लाह। वालदैन को जो है वो वक्त नहीं दे पाते। एक नौकर लग दिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, पूरा देख रेख करता है हमारे वालिद का, फादर का, कोई जहमत नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। कभी रोज 5 किलो ला के रख देता हूँ, क्रीम जो है भरी हो गई कालीनों से, वालिद खाए अपना, मगर वक्त नहीं। बाप चाह रहा है कि बेटा आके बैठे, बेटा है कि बेटे के पास वक्त ही नहीं है। ये फ्रिज के अंदर बादाम भर के मुतमईन है कि हम तो अपने वालिद की खिदमत किए गए हैं, 5000 रुपए की दवा लाकर वालिद को दे दिया, अब खाइए, इत्मीनान से नागा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कि ताकीस ने कहा तो सोरा तो सलीके से भी कह सकते थे, सलवार पढ़ ले मोहम्मद वाले, अपने बाप से 100 मरतबा सवाल करें, वो कहता है मेरी जान ली
ही अपना पबजी में लगा हुआ है, पबजी एक गेम चला है, ऐसा बेहोश कर देता हूं जवानों को कि साहब आप बुलाते रहिए मगर ये इबादतें गेम में मसरूफ रहते, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, शहरों में भी हुआ है, तो सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। ये है साहब, दो मरतबा किसी बेटों को बुलाने के लिए दिया कि रेडियो के ऊपर बल आ जाएंगे, तो वो बात है कि जो हमें लगते जिगर कह के हर चीज बताया दे रहा है। इबादतों को समझे, इबादतों में सबसे आगे जब हम इबादत बोलते हैं तो नमाजी फील होती है, जब हम रोजा बोलते हैं तो नमाजी रोजे ही फील होता है। मैं आपको आज करूं मेरा जीरो, आज सौ हज करें और हज हर हर हज पे मंजर भाई 10 लाख रुपया खर्चा करें, वापस आइए, आप ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपका ये हज कबूल हो गया। रात भर नमाज पढ़िए, आप मुझे ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि रात भर की पढ़ी हुई नमाज मेरी इबादत है। अल्लाह अकबर, अब मैं जो इबादत पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने वो इबादत सुने, इबादत में बहुत सी चीजें इबादत है, वालिदैन इबादत, वालिदैन के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, सिर्फ रोजा ही इबादत नहीं है। तवज्जो करें जरा साहब मेरी गुफ्तगू के ऊपर, और ये इतनी अजीम इबादत है कि जब आप वालिदैन के चेहरे की तरफ इबादत करते हैं तो आपको हदीस सुना रहा हूं, मैंने कहा कि आप हज करिए आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कबूलियत की, आप नमाज पढ़िए आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कबूलियत की, मगर जब हदीस सुना रहा हूं, जब आप अपने वालिदैन की इस मसरूफ तरीन जिंदगी में जहां आपके पास वक्त नहीं है और आप अपने वालिदैन से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसे एक निगाहे करम से देख रहे हैं, निगाहे मोहब्बत से देख रहे हैं, तो आपको हवादी सुना यानी मेरी लगते नहीं है कि आप मुझे कहिए मौलाना कहां से आपने पढ़ दिया है, अभी दिखा सकता हूं आपको। जब एक नौजवान दोस्त, जब एक बेटा अपने वालिदैन के चेहरे के ऊपर यानी माँ के ऊपर या बाप के ऊपर मोहब्बत की निगाह से चेहरे को देखता है तो अल्लाह जो है उसे एक निगाह के बदले में 70 हज का सवाब अता फरमाता है। नहीं सुना, 70 हज का सवाब सिर्फ एक मरतबा अपने बाप के चेहरे को निगाह मोहब्बत से देखिए। और ये वो हज नहीं है कि जो आप मक्के गए और सहमतें की और सही बजा रहे, सफो मरवा के दरमियान दौड़ते रहे, प्यास लगी रही मगर दौड़ते रहे और उसके बाद हिंदुस्तान चले आए, गारंटी नहीं ले सकते। हदीस सुना रहा हूं आपको, जो अपने बाप के चेहरे की तरफ अपने माँ के चेहरे की तरफ एक निगाह मोहब्बत से निगाह उठाता है उसके अभी जो है वो 70 हज का सवाब देता है, और सिर्फ सवाब देता नहीं, ये हज कौन सा है, ये हज वो है कि जो कबूल शुदा हज, कबूल शुदा हज अल्लाह अकबर। आप महसूस करें यदि अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ देख लिया हमने इंशाअल्लाह, तो हमें एक तो 70 हज का सवाब मिला और वो भी वो हज कि जिसे अल्लाह ने कबूल कर लिया है। मगर जाहिर सी बात है कि हम इतने बिजी हैं, इतने मसरूफ हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है साहब, है ना, घर से आएंगे तो वालिदैन के पास नहीं बैठ पाएंगे, दोस्तों के साथ गप लड़ा सकते हैं 2 घंटा बाहर दरवाजे के ऊपर, मगर बात है कि बेचारा बेचैन है, लेटा हुआ है रूम के अंदर, चाह रहा है कि बेटा आके बैठ जाए 10 मिनट, थोड़ा सा कुछ पूछे उछे अब्बा राम कैसे हैं आप, तबियत तबियत ठीक है कि नहीं, बाप का दवा ला के रख दिया, ये रैक पर रखी हुई है उसको खा लीजिएगा, चले गए साहब, ला के 2 किलो खजूर ला के रख दिया है अब्बा ये खा लीजिएगा सेहत बनाइए, बाप चाह रहा है कि आके मेरा लाल मेरी आंखों के सामने बैठे, मगर बेटे के पास वक्त नहीं है। तो एक चेहरा है बाप का वालिदैन का कि जिधर देखना क्या है इबादत। अब आइए दूसरी हदीस आपको सुना दूं, अन्नदुरु इलल काबा इबादत, काबे की तरफ देखना इबादत है। सुने तवज्जो से मेरे नौजवान दोस्त,
वालदेन के चेहरे की तरफ देखना बोलिए इबादत। अन्नदरो इलल काबा इबादा, काबे के चेहरे की तरफ देखना इबादत, यानी काबे की तरफ देखना इबादत। अन्नदरो इलल मुसहफ इबादा, मुसहफ कहते हैं कुरान को, जो लोग अगर पढ़े हुए हैं या सऊदी अरब या दुबई गए हुए हैं वो जान सकते हैं कि मुसहफ किसे कहते हैं। मुसहफ कहते हैं किताब खुदा। तो अन्नदरो इलल मुसहफ इबादा यानी कुरान की तरफ निगाह करना क्या है? इबादत। अब आइए एक हदीस और गौर किए देता हूं यहीं पर। अन्नदरो इला वजहे अली इब्न अबी तालिब इबादा, आपके
कर रहा हूं, मौलाए कायनात के हवाले से फरमाए कि जिक्रो अली ने लादा, अगर अली का चेहरा नहीं देख पाए हो तो जिक्र अली करते जाओ, इबादत होती जाएगी। देखिए मेरा टाइम हो रहा है ना, तुम्हारा मैं 5 दिन तक गुटगुट पर पहुंचा देता, मैं आपके सामने इबादत कर रहा हूं। तो जिक्र अली ने लादा, जिसने अली का जिक्र नहीं देखा है, जिसने अली का चेहरा नहीं देखा है, नहीं देख पाया, हम आरंभ में नहीं है, हम मौलाए कायनात के दौर में नहीं है, अब क्या करें। अब सरकार अकरमी मर्तबत ने कहा कि जिक्रो अली ने इबादत, अली का जिक्र करो इबादत है, अली के फजाइल पढ़ो इबादत है। मगर हमारे साथ क्या है, हम ये समझते हैं, तवज्जो करें जरा सा, हम ये समझते हैं कि मौलाना मिंबर के ऊपर बेहतरीन अबा और कबा और अमामा लगाए हुए हो, मिंबर के ऊपर बैठे हो और ठाठे मारता हुआ समंदर हो, मजमा पब्लिक इश्तेमा जलसा लोग इतने ज्यादा हो कि सिर्फ सर ये सर दिखाई दे और खतीब बोल रहा हो तो ही इबादत है। यही इबादत नहीं है, आप यकीन जाने इबादत करने का बेहतरीन सलीका हमें सिखाया गया है, जिक्रो अली ने इबादत, अली का जिक्र इबादत है, अपना हर लहजा इबादत से मुजीन कर सकते हो, दोस्तों के साथ खड़े हुए हो, इधर उधर की बातें ना करो, अमित शाह के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मोदी साहब के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल बातें छोड़ दो, सियासत की बातें छोड़ दो, राजनीति की बातें छोड़ दो, आज वहां पर तरक्की किया चार लोगों आपसे मुश्किल, इसमें कोई इबादत नहीं मिलना, दोस्तों के साथ खड़े हुए हो, मौलाए कायनात का कोई एक कौन सुना दो किसी को, इबादत है। अगर हम घर में बैठे हुए हैं सबके सब लोग, घर वाले इत्मीनान से सुकून से रात में खाना वाना खा के पूरी फैमिली बैठी हुई है, कोई मौलाए कायनात का एक वाक्या सुना के इबादत जारी रखो, तो जिक्र अली ने माता, अली का जिक्र इबादत है। अच्छा साहब बड़ी अच्छी बात है, आप हैं कन्या बहादुरपुर में, जिक्र अली कर ले रहे हैं, अच्छा आगे चले जाना सऊदी अरब में, कहा है सऊदी अरब में मुतल्ले डंडा लेके खड़े हुए हैं, मुतल्ले जो है क्या डंडा लेके खड़े हुए, मजलिस नहीं कर पाएंगे आप, तो जिक्र अली पे हो गई पाबंदी, मौलाना अली का जमाना हमने देखा नहीं, तो अली का चेहरा नहीं देख पाए, तो एक इबादत से क्या हो गए महरूम। सरकार ने कहा नहीं, अगर चेहरा नहीं देख पाए तो जिक्र करो इबादत, एक इबादत चेहरा देखने वाला और जिक्र करने वाला दोनों एक तरह का है, आप हैं दुबई में, आप हैं सऊदी में, जहां जिक्र अली के ऊपर पाबंदी है, सरकार अपनी मर्तबत में मुस्कुरा के कहा परेशान ना हो, हम तुम्हारी इबादत को आगे बढ़ाए देते हैं, तुम्हारी इबादत होती रहेगी। सरकार अपनी मर्तबत क्या करे, ना हम अली का चेहरा देख पाए, ना अली का जिक्र किए पा रहे हैं, मुतवे मारे डाल रहे हैं, जिक्र अली हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा करो को अली ने दादा, भाई अली का जिक्र नहीं कर सकते तो कम से कम अपने सीने के अंदर मोहब्बत अली को तो पैवस कर सकते हो, यहाँ तो कोई मुतल्ला के डंडा नहीं मार सकता है, यहाँ तो किसी मुतल्ला की हुक्मरानी नहीं चलेगी, हुब्बो अली ने बाधा सीने के अंदर की मोहब्बत पैवस्ता करे आरास्ता करें, ये भी इबादत है, तो इबादत होती रहेगी साहब, और ये आमादा है सफल इंसान, हमें वक्त इबादत करना चाहिए। अच्छा साहब हमारा आलम क्या इबादत का, हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए हैं, मेरे नौजवान बहुत बड़ी तवज्जो से सुन लें, गुप्त पाए तक मिल तक आखिरी मंदिरों में ले चल रहा, हम नमाज पढ़े पर इबादत करने खड़े हुए हैं, इया का नाबदू व इया का नस्तईन, पालने वाले हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं, और उसके बाद आस लगाए हुए हैं कि मौलाना कहीं दुबई भेज दे, मौलाना भैया बहुत कायदे थे
आदमी है, इनका शोर छोड़ दिया। मौलिक साहब थोड़ा सा देखिए ना लड़कों के लिए, कहीं दुबई हुई सऊदी होगी। अच्छा ठीक है भिजवा दूंगा। ईया का नाम दो अय्या का रस्ता। क्या कह रहे हैं? अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर झूठ, और वो भी सफेद झूठ। कौन सा झूठ? सफेद झूठ। कहे पालने वाले, हम तेरी इबादत करते, तुझसे मदद चाहते हैं, और खड़े हुए चचा के दरवाजे पे हजार रुपया दे दीजिए। ईया का नाम दो वैया का रस्ता। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। पता चला कि अभी ये इंसान उस मयार इबादत के ऊपर नहीं आया है कि जहां यकीन कर पाए कि हम इबादत कर रहे हैं तो मदद उधर से आएगी। यकीन नहीं हो पा रहा है ना, यकीन नहीं हो पा रहा है। जब यकीन नहीं हो पाएगा तो सिलसिला और आगे बढ़ा दूं, तो फिर आलम क्या होगा आपकी इबादतों का, हमारी इबादतों का। एक आयत और पढ़े देता हूं, एक सिरात मुस्तकीम पालने वाले। हमारे यहां एक तर्जमा है कि हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर वाकई रख। हमारे यहां क्या तर्जमा है? सिरात मुस्तकीम में वाकई रख। हम लोग कहते हैं बड़े भाई के यहां, मैं बड़ा भाई नहीं मानता, छोटे भाई के यहां ये तर्जमा किया जाता है। हम उनको अहलियत क्यों दें? बड़े हम हैं, सलाह पढ़े मानने वाले हैं। अच्छा अगर साहब अशर तो सुने मुझे, अगर हम बड़े नहीं होते, सही बता, अगर हम बड़े नहीं होते तो मतलब कुछ ही आपको पढ़ा देता हूं। अलिफ बे के से जीम हे से छोटी सी बड़ी शीन। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वालमा। ये चीजें थोड़ा सा नौजवानों को बेदार करने के लिए पढ़ी जाती है, मगर ना अपनी तबीयत ऐसी नहीं है तो साहब जो है वो सीन से सुन्नी और बड़ी शीन से शिया। तो पता चला कि शिया बड़े, तो भाई बड़े तो हम हैं। वो छोटे भाइयों के यहां तर्जमा क्या होता है? वो तर्जमा ये करते कि ए जन सिरात मुस्तकीम, पालने वाले हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। क्या तर्जमा होता है? पहले आप अपना तर्जमा याद करें। आपके यहां का क्या तर्जमा? इहदिन सिरात मुस्तकीम, पालने वाले हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर बाकी रख। ठीक, आइए छोटे भाई ने देखिए क्या तर्जमा। इहदिन सिरात मुस्तकीम, पालने वाले हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। अच्छा साहब ऐसा है कि इन्हें अभी सिरात मुस्तकीम मिला नहीं, नमाज पढ़ रहे अभी सिरात मुस्तकीम मिला नहीं। यही सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अरे पागलों जाहिलों, तुम्हारा आलम तो बिल्कुल उस इंसान के तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल अपने नौजवानों के लिए मिसाल दे दूं कि कोई नौजवान है कि जो मेडिकल के सामने खड़े होकर मेडिकल वाले से पूछ रहा, साथ ये बताइए कि मेडिकल स्टोर कहां? मेडिकल स्टोर कहां? अच्छा था मुझे सुनेगा एक मरतबा और सुन के रह जाएगा, कहां सा है? फूल बोलते कभी मामूल फूल से कुछ नहीं बोलेगा, पहली मरतबा लग रहा है कुछ। फिर इसने पूछा मेडिकल स्टोर वाले से, भैया वो दवा लेना है, मेडिकल स्टोर कहां? थोड़ा सा शरीफ आदमी बैठा रहेगा अपने कुर्सी के ऊपर। जब तीसरी मरतबा ये पूछेगा तो आपको मंगल देगा। जैसे ही उसने पूछा कि भैया ये बताइए कि दवा खरीदना है, मेडिकल स्टोर कहां है? अब मेडिकल स्टोर वाला अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाएगा। अब खड़ा होने के बाद ऐसे राउंड करके काउंटर के ऊपर आएगा, उठाएगा काउंटर के बाहर आएगा, एक लपड़ भरपूर तरीके से जनाब के चेहरे अब्दस के ऊपर भर देगा। ये तो किताबत है, मैंने किताबत तो तीन ही गलत बात नहीं बोली है ना, क्योंकि मोहर्रम की मजालिस में किताबत नहीं की जाती, मोहर्रम में पैगाम दिए जाते। तो साहब इतने एक लपड़ मार दिया,
अल्लाह बाबर गए बिखरे हुए शेर निकल के कैसे मारा तुमने और अभी बुलाता हूं अपने खानदान को। अरे भैया पगला गए हो क्या हुआ? कहा मेडिकल स्टोर पे खड़े होके तुम उससे 10 मरतबा पूछ चुके हो कि मेडिकल स्टोर कहाँ है, मेडिकल स्टोर का भैया दवा यही मिलती है भाई, इनका आलम यही है। नमाज में खड़े होके कह रहे पालने वाले सिराते मुस्तकीम दिखा तो पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत का गैब कहा पता, कभी इधर कभी उधर, एक सलवात पढ़े मोहम्मद का बहुत पाबंद आदमी हूँ साहब, मस्जिद शुरू हो वक्त पे ना हो मगर खत्म करता हूँ वक्त पे। हाँ ये भी पढ़ने से ताकत है, खत्म होगी बिल्कुल टाइम से। इबादत करें, इबादत जिए, इबादत ऐसी तरीके से करें कि हंसी जो भी इबादत हो ये हंसना भी जिक्र अली के ऊपर हो। जब हंसना इबादत हो जाए तो फिर आप सोचिए कि होना कितनी बड़ी इबादत। हम हंसी छोड़ी ही नहीं के जिक्र कर और हम बुराई छोड़ ही नहीं के जिक्र कर। 7 मुहर्रम ये दिन है कि जब खराने हुसैनी में एक कतरा आग नहीं रह गया, पानी आग नहीं बन दिया गया, पानी को 4 मुहर्रम को बंद कर दिया गया। 4 मुहर्रम से घाट के ऊपर फौजे यजीदी तैनात हो गई। 4 मुहर्रम से पानी बंद हो गया। 4, 5, 6, 7 चार दिन इधर और आज का दिन वो गुजरा है कि जब कयाम हुसैनी में एक कतरा आग नहीं रह गया। 4 मुहर्रम हुआ तो जो पानी थोड़ा हुआ था तो 3-4 दिन तक तो वो चला, बच्चों ने पिया, बड़ों ने वो भी नहीं पिया सैराब, बच्चों ने पिया। मगर जब 7 मुहर्रम को रवायतों ने कहा कि पानी पूरे तरीके से खत्म हो गया तो कयाम हुसैनी में अलग की आवाजें बंद होने लगी। हाय प्यास हमें मारे जा रही है, हाय प्यास हमारी जिगर काटे हो रही है। मैंने आपके सामने अर्ज किया है बीबी सकीना कि आप मेरी वसीयत में गरज हो प्यास इस आलम के था। कि सकीना ने कहा मना भी लिया था, आपको बता दें पहले कि जब पहली मरतबा प्यास लगती है तो इंसान जब प्यास का पहला मरला आता है तो इंसान के होठों के ऊपर पकड़ियां लग जाती है। यहां की सकीना सही सत्यास से कहते हैं है मेरे भैया देखो मेरे होठों के ऊपर टकड़ियां कहते हैं। प्यास की दूसरी मंजिल क्या है? प्यास की दूसरी मंजिल ये है कि इंसान के हलक के अंदर कांटे पड़ जाते हैं। राह में चलते हुए बीबी सकीना ने कहा भैया सज्जाद मेरे हलक में कांटे पड़ गए। प्यास की तीसरी मंजिल ये है कि इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता, धुआं धुआं सामने लगने लगता है, इंसान को दिखाई नहीं देता है जब प्यास अपने दर्जे यदम के ऊपर पहुंचती। जनाब सकीना ने सफर की मंजिल में फरमाया था अपने बंजर सज्जाद को कहा भैया अब प्यास मुझे इस पैमाने पर आ गई है कि मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। अल्लाह अकबर, आखिरी जब बिल्कुल हद पे होती है और जब इस पैमाने के ऊपर प्यास आ जाती है तो फिर ये यकीन कर लिया जाता है कि अब प्यासा बहुत ज्यादा देर का मेहमान नहीं है, अब इसे मर जाना है। वो कौन सी प्यास है? कहा जब हड्डियां चचकने लगती है और हड्डियों से आवाज आने लगती है। राम ने एक मरतबा जनाबे सकीना ने अपने भैया सज्जाद से कहा था भैया देखो मेरे होठों पर पपड़ियां जम गई है, मेरे हलक में जो है वो खारदार कांटे पड़ गए हैं, मेरे आंखों से कुछ सुझाई नहीं देता, अब तो ये आलम प्यास का हो गया है कि अब हड्डियां चटक रही है, अब आवाजें आ रही है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय गम-ए-मज़लूम-ए-करबला।
और हम सब उनका साथ अनुसार में शुमार करना अपना तपक्कल मिलना है नकान तस्कर में